हेलो स्टूडेंट, तो इस सेशन के अंदर हम लोग नेक्स्ट टाइप का फंक्शन पढ़ेंगे, इवन एंड ओड फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इवन फंक्शन के बारे में। इवन फंक्शन, इवन फंक्शन क्या होते हैं भाई? तो अगर हम किसी फंक्शन के अंदर एफ ऑफ एक्स के अंदर अगर हम एफ ऑफ एक्स के अंदर एक्स की जगह माइनस एक्स रख दें, मतलब हम एफ ओ माइनस एक्स निकालें और दोनों की वैल्यू में कोई भी चेंज ना हो, इफ़ अगर ऐसा होता है देन एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड इवन फंक्शन। इवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। अगर हम राइट हैंड साइड में जो लिखा हुआ है एफ ऑफ माइनस एक्स उसको लेफ्ट में लेकर आएंगे तो इसको क्या लिखा जा सकता है? एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? एफ ऑफ माइनस एक्स। इसका एग्जाम्पल्स हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। यहाँ पे अगर मैं एफ ऑफ माइनस एक्स निकालता हूँ, यहाँ पे मैं अगर एक्स की जगह माइनस एक्स रखता हूँ तो कोई भी चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एफ ऑफ माइनस एक्स मुझे क्या मिलेगा? मॉड के अंदर माइनस एक्स, और उसको हम क्या लिख सकते हैं? मॉड एक्स। क्लियर? इसी तरीके से इसके और भी एग्जांपल हैं, जैसे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? कॉस माइनस एक्स, और कॉस का माइनस प्लस हो जाता है, ऐसा हम लोगों ने एनसीईआरटी में देखा है। कॉस एक्स। मोर एग्जांपल देख लेते हैं, और एग्जांपल इसके क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या फिर एक्स की पावर फोर हो, या फिर एक्स इंटू साइन एक्स हो। तो यहाँ दो माइनस होंगे, एक यहाँ से माइनस और एक माइनस, दोनों माइनस मिलके क्या हो जाएंगे? प्लस। अच्छा, इसके बारे में इम्पोर्टेंट बात नोट, ग्राफ ऑफ इवन फंक्शन आर ऑलवेज सिमेट्रिक, मतलब बिल्कुल सममित, एक जैसे सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। आप लोगों ने इसका ग्राफ देखा हुआ होगा। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है? कुछ इस तरह का होता है। ये मतलब जो 2 पे हम लोगों को कितना मिलेगा? ये 4। माइनस 2 पे भी कितना मिलेगा? 4। मतलब जो x पे वैल्यू मिल रही है वही f ऑफ माइनस x पे मिल रही है। और y इज इक्वल टू मॉड x, ये भी एक सिमेट्रिक फंक्शन होता है। इसका ग्राफ भी y के सिमेट्रिक होता है, मतलब y के लेफ्ट में जैसा है वैसा का वैसा इसमें होगा राइट में। मतलब अगर वाई को अगर मैं मिरर मानूं तो मिरर इमेज होती है लेफ्ट वाले की राइट में, या राइट वाले की लेफ्ट में भी बोल सकते हैं, या फिर वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में इसको फोल्ड करा जा सकता है। इसी तरीके से वाई इजिकल टू कॉस एक्स का अगर ग्राफ तुम लोगों ने देखा हुआ हो तो वो भी किसके सिमेट्रिक होता है? वाई एक्सिस के। जितना इधर उतना ही इधर। अगर ये यहाँ पे ऐसे ही हो जाता है तो यहाँ पे भी इसका जो है इसी तरीके से रहता है ग्राफ। तो ये एक्स स्क्वायर, मोड एक्स, कॉस एक्स, ये सभी ग्राफ, या फिर सभी ग्राफ जो इवन फंक्शन के होते हैं वो किसके सिमेट्रिक होते हैं? वाई एक्सिस के। अब हम लोग देख लेते हैं ओड फंक्शन क्या होता है। ओड फंक्शन, ओड फंक्शन में अगर मैं एक्स की जगह माइनस एक्स कर रहा हूँ फंक्शन के अंदर, इफ एफ ऑफ एक्स और एक्स की जगह मैंने क्या रखा? माइनस एक्स, बट बीच में जो डिफरेंस आया वो माइनस का डिफरेंस आ गया, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं ओड फंक्शन। अगर राइट वाले को मैं लेफ्ट में लेकर आऊँगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ? एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये किसकी डेफिनेशन होगी? ओड फंक्शन की। इसके एग्जांपल क्या क्या पॉसिबल है? इसके एग्जांपल पॉसिबल है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स की जगह माइनस एक्स रखो पूरा चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से और क्या एग्जाम्पल इसके पॉसिबल है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, या फिर हम बोल सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स। और भी एग्जांपल हैं इसके, एफ एक्स इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं एक्स इंटू कॉस एक्स,
देखो एक्स इंटू कॉस एक्स देखते हैं कैसे हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या बोला मैंने, एक्स इंटू कॉस एक्स। सपोज़ करो मैं एफ ओ माइनस एक्स निकाल रहा हूँ, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ मुझे माइनस एक्स लिखना होगा, माइनस एक्स कॉस माइनस एक्स। क्लियर? अब ये कॉस का माइनस तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस एक्स कॉस एक्स। अब इस पूरे को देखो तुम, ये क्या है, ये एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये होती है ओड फंक्शन की। अब इसके बारे में इंफॉर्मेशन, इसका ग्राफ किसके सिमेट्रिक होता है, ग्राफ ऑफ ओड फंक्शंस आर ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। कुछ लोग गलत याद रख लेते हैं कि इवन फंक्शन वाई के सिमेट्रिक है तो ये एक्स के होगा, नहीं, ये ओरिजिन के सिमेट्रिक होता है। ओरिजिन के सिमेट्रिक होने का मतलब ये होता है, जैसा ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है सेम ग्राफ होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि जैसा ग्राफ सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, जैसा ग्राफ सेकंड क्वाड्रेंट में है वैसा का वैसा ही सेम टू सेम किसमें होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ओके चलो इसका हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि सपोज करो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की ही हम बात कर लेते हैं। ये एक आइडेंटिटी फंक्शन होता है, इसका नाम हमने पहले भी दिया हुआ है, आइडेंटिटी फंक्शन। एक लाइन होती है जो इस तरीके से होती है, जैसी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अभी नहीं लग रही, थोड़ा इसको सही बना देते हैं तो लगने लगेगी। तो देखो ये होता है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ, जैसा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है सेम टू सेम, कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइन जैसी है वैसी की वैसी किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। और एग्जांपल देखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स, इसे बोलते हैं इनवर्स फंक्शन। इसका जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से रहता है, ये एक हाइपरबोला है इस तरीके से, तो जैसा फर्स्ट में रहेगा वैसे ही किसमें रहेगा, थर्ड में। एक्स जितना बढ़ेगा एफ ऑफ एक्स उतना ही कम होगा, मतलब एक्स बढ़ रहा है तो वाई कम होता जा रहा है, इसी तरीके से यहाँ पे y की वैल्यू बढ़ रही तो x की वैल्यू क्या हो रही जा रही है, कम होती जा रही है। अच्छा एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स भी जो होता है वो ओड फंक्शन होता है, y इज इक्वल टू साइन एक्स, इसका ग्राफ बिल्कुल ओड फंक्शन है ये, तो ओड फंक्शन है। तो सबसे पहले मैंने किसमें बनाया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट जैसा ही किसमें बनेगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में। अब मैं बना रहा हूँ फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ, तो वैसा का वैसे ही किसमें बनेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में ग्राफ। तो ये भी क्या फंक्शन है, ओड फंक्शन है ये सारे के सारे, क्या है, ओड फंक्शन। अब देखो हम कुछ बातें पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले इसका एक बार और रिवाइज कर लेते हैं हम लोग अच्छे से। तो इवन फंक्शन क्या होता है और ओड फंक्शन क्या होता है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। अगर एक्स की जगह हमने माइनस एक्स रखा और कुछ भी चेंज नहीं हुआ, नो चेंज, तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं इवन फंक्शन। और अगर एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पर चेंज हो गया, मतलब हमने एक्स की जगह क्या रखा, माइनस एक्स, तो फंक्शन का साइन क्या हो गया, चेंज, चेंज इन फंक्शन एफ ऑफ एक्स। जो पहले एफ ऑफ एक्स हुआ करता था अब वो क्या हो गया, माइनस एफ ऑफ एक्स हो गया। तो फंक्शन का अगर साइन चेंज हो जाता है तो उस केस में हम लोग बोलते हैं ओड फंक्शन, और अगर साइन चेंज नहीं होता तो इस केस में हम लोग क्या बोल देते हैं, इवन फंक्शन। अब देखो बहुत सारी बातें हैं कि इवन प्लस इवन क्या होगा, जैसे कोई जानना चाहता है इवन फंक्शन प्लस इवन फंक्शन क्या होगा, तो ऑब्वियसली उसका आंसर क्या होगा, इवन। हम देख सकते हैं एग्जांपल से, जैसे कि सपोज करो कहीं लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस कॉस एक्स, तो देखो ये एक इवन फंक्शन है, ये एक इवन फंक्शन है, तो ऑब्वियसली जो एफ ऑफ एक्स है वो भी क्या होगा, इवन। देख लेते हैं कैसे, जैसे एफ ऑफ माइनस एक्स मैंने निकाला तो एफ ऑफ माइनस एक्स कितना आएगा, माइनस एक्स मॉड में प्लस कॉस माइनस एक्स। अब कॉस माइनस एक्स का ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो एफ ऑफ माइनस एक्स एक्चुअली आएगा क्या, मॉड एक्स प्लस कॉस एक्स, तो ये एफ ऑफ एक्स आ गया। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स दोनों बराबर है, इसलिए इवन प्लस इवन कितना हो गया, इवन। अब जैसे कि मान लो कोई जानना चाहता है कि इवन इंटू इवन क्या होगा, तो इवन इंटू इवन भी इवन होगा, इवन माइनस इवन भी इवन होगा। बट जैसे इवन प्लस ऑड है या फिर इवन इंटू ऑड फंक्शन है कोई, है ना,
इसको हम लोग देखते हैं। तो इवन इनटू ऑड हमेशा क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। कैसे? एग्जांपल जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हम लोगों ने ले लिया साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स हम लोगों ने ले लिया साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ये इवन फंक्शन है और ये ऑड फंक्शन है। तो इवन इंटू ऑड ऑड हो जाएगा, तो एफ ऑफ माइनस एक्स निकालता हूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा, साइन माइनस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स, तो ये तो हो जाएगा कॉस एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ये पूरा का पूरा एफ ऑफ एक्स है। तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। इसलिए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स फंक्शन कैसा फंक्शन हो गया है, ऑड फंक्शन, इवन इंटू ऑड। अब इसी से रिलेटेड बातें हैं जो हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि ये सब एग्जांपल अभी हम सॉल्व करेंगे। तो ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन, पहला पॉइंट क्या है, ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन इज ऑलवेज सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये हमने देख लिया है। द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन फंक्शन इज एन इवन फंक्शन, तो ये जितने भी पॉइंट है ना, ये सब कॉमन सेंस वाले पॉइंट है। कोई तुम्हें बोलता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू इवन फंक्शन, तो तुम क्या करो, एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। एक्स स्क्वायर एक इवन फंक्शन है, मॉड एक्स भी एक इवन फंक्शन है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन ही आएगा। ये बिल्कुल प्लस माइनस की तरह है, दो प्लस को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस आएगा, वैसे ही दो इवन को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, इवन। द सम ऑफ एंड डिफरेंस ऑफ टू इवन फंक्शन इज इवन, इवन प्लस इवन भी इवन रहेगा और इवन माइनस इवन भी क्या रहेगा, इवन, जो अभी मैंने तुम्हें बताया। द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू ऑड फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन, जैसे कि कहीं लिखा हुआ है एक्स प्लस साइन एक्स, तो एक्स भी क्या है ऑड, साइन एक्स भी क्या है ऑड, तो दोनों का एडिशन भी क्या रहेगा, ऑड फंक्शन रहेगा। द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड फंक्शन इज इवन फंक्शन, जैसे कि दो माइनस का मल्टीप्लीकेशन प्लस होता है, वैसे ही मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू ऑड फंक्शन विल बी इवन फंक्शन। द प्रोडक्ट ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन इज ऑड फंक्शन, इसका एग्जाम्पल अभी अभी हम लोगों ने देखा है। इट इज़ नॉट एसेंशियल दैट एवरी फंक्शन इज इवन और ऑड, हाँ ये भी जरूरी है, हमेशा कोई भी फंक्शन इवन हो या ऑड हो ऐसा जरूरी नहीं है। इट इज़ पॉसिबल टू हैव सम फंक्शन विच आर नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। देखो कैसे, अगर मैं बात करता हूँ तुमसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये इवन प्लस ऑड है, ये क्या है, इवन प्लस ऑड। एक्स स्क्वायर इवन फंक्शन है, एक्स क्यूब ऑड फंक्शन है, पर ओवरऑल फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ माइनस एक्स निकालते हैं, तो देखो माइनस एक्स का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स का क्यूब क्या होगा, माइनस एक्स क्यूब। अब देखो ना तो ये दोनों बराबर हैं और ना दोनों में माइनस का अंतर है, माइनस का अंतर मतलब फर्स्ट वाले को माइनस से मल्टीप्लाई करके मैं सेकंड में नहीं पहुंच सकता, ओके, और सेकंड को माइनस से मल्टीप्लाई करके मैं फर्स्ट में नहीं पहुंच सकता। इसी तरीके से लॉग एक्स ना तो इवन है ना ऑड है, और ई रेस टू एक्स, जैसे कि दूसरा जो एग्जाम्पल है वो क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स। अब एफ ऑफ एक्स जो है एफ ऑफ माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा, ई रेस टू माइनस एक्स। अब ना तो एफ ऑफ माइनस एक्स के बराबर है और ना ही दोनों में माइनस का अंतर है, तो इसलिए ई रेस टू माइनस एक्स मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथम फंक्शन ना तो इवन होते हैं और ना क्या होते हैं, ऑड फंक्शन होते हैं। द सम ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन इज नाइदर इवन एंड नॉट, तो यही एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा है, ये जो नीचे पॉइंट है उसका एग्जाम्पल ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। जीरो फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो इज एन ओनली फंक्शन विच इज इवन एंड ऑड, याद है कॉन्स्टेंट फंक्शन, कॉन्स्टेंट फंक्शन में सी की जगह क्या रख दिया, जीरो, तो वो फंक्शन इवन भी कहलाता है और ऑड भी कहलाता है। चलो अब कुछ एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इवन फंक्शन, तो देखो इवन ये पूछ रहा है, तो इवन फंक्शन कब होगा, जब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, एफ ऑफ माइनस एक्स के बराबर होगा। तो वन बाय वन चेक करते हैं हम लोग, सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। तो एफ ऑफ एक्स कितना गिवन है, ए रेस टू एक्स प्लस वन अपॉन ए रेस टू एक्स माइनस वन, तो ये तो हो गया एफ ऑफ एक्स। अब हम क्या करते हैं, एक्स की जगह रखते हैं माइनस एक्स, मतलब हम एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू चेक करते हैं, अगर बराबर आ गया तो इवन और माइनस का अंतर आया तो ऑड, और कुछ भी नहीं हुआ तो ना तो इवन ना ऑड, नाइदर इवन नॉर ऑड को नैनो फंक्शन बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, नाइदर इवन नॉर ऑड का शॉर्ट बना लो, नैनो होगा।
एफ ऑफ माइनस एक्स निकालते हैं हम लोग, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ माइनस एक्स हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए रेस टू माइनस एक्स प्लस वन अपॉन ए रेस टू माइनस एक्स माइनस वन। अब हम यहाँ पे लेंगे एलसीएम ताकि हम ए रेस टू एक्स में इसको चेंज कर सकें और एफ ऑफ एक्स के साथ कंपेरिजन करा सकें। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इजिकल टू क्या आएगा, वन अपॉन ए रेस टू एक्स प्लस वन अपॉन ए रेस टू एक्स। आपको पता होना चाहिए ए रेस टू माइनस एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन ए रेस टू एक्स। अब यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेते हैं इसका, तो ये कितना आएगा देखें, वन प्लस ए रेस टू एक्स अपॉन वन माइनस ए रेस टू एक्स। अब देखो ए रेस टू एक्स ऊपर और नीचे से दोनों तरफ से एलसीएम आएगा, तो वो तो कट हो जाएगा, क्लियर। तो हम लोगों का जो आंसर आ रहा है उसके अंदर बस थोड़ा सा नीचे माइनस का अंतर है, तो अगर नीचे से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ माइनस एक्स इजिकल टू माइनस कॉमन लेने के बाद ए रेस टू एक्स प्लस वन, ऊपर तो एज इट इज़ है और नीचे से माइनस कॉमन लिया गया है तो वो ऐसा हो गया, और ये किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स के। तो इसलिए हम लोगों का जो एग्जाम्पल मतलब ये आया है एफ ऑफ माइनस एक्स इजिकल टू माइनस तो ही से और एफ ऑफ एक्स, तो ऐसा किस में होता है, ऐसा ओड फंक्शन के अंदर होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो कैसा हो गया, ओड फंक्शन, और हम लोगों को क्या ओड ही चेक करना था, नहीं हम लोगों को इवन चेक करना था। तो अब हम जाएंगे बी ऑप्शन के पास। तो देखो बी ऑप्शन के अंदर क्या है, एफ ऑफ एक्स इजिकल टू एक्स इंटू, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत इस बार हम लोगों को वैसे ही करना है जैसे हम लोगों ने पहले वाला किया, ए रेस टू एक्स माइनस एक्स ए रेस टू एक्स प्लस वन, अंडरस्टैंड। अब देख लेते हैं, अब हम एफ ऑफ माइनस एक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो ये क्या आएगा, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ माइनस एक्स हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, वन अपॉन ए रेस टू एक्स माइनस वन अपॉन वन अपॉन ए रेस टू एक्स प्लस वन, सॉरी। अब हम लोग एलसीएम ले लेते हैं ऊपर और नीचे की तरफ, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इजिकल टू क्या आएगा, माइनस एक्स तो है ही सही, यहाँ हो जाएगा वन माइनस ए रेस टू एक्स अपॉन वन प्लस ए रेस टू एक्स। अब हम ऊपर यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं और ऊपर एडजस्ट कर देते हैं, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इजिकल टू क्या आएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा ए रेस टू एक्स माइनस वन अपॉन ए रेस टू एक्स प्लस वन, जो कुछ भी नहीं पूरा का पूरा एफ ऑफ एक्स ही है, देख लो ओके। तो इससे हम लोगों को यहाँ पे पता लग गया एफ ऑफ माइनस एक्स इजिकल टू क्या आ रहा है, एफ ऑफ एक्स, जो कि इवन फंक्शन की डेफिनेशन है, तो इवन फंक्शन हो गया बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या हो गया, इवन फंक्शन, और यही हमें पता लगाना था। अगर हम यहाँ आंसर नहीं लेके आ पाते तो हम सी ऑप्शन के पास जाते, तो बी ऑप्शन क्या है, इवन फंक्शन, ओके। नेक्स्ट, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इजिकल टू, फंक्शन क्या है गिवन है देखें, एफ ऑफ एक्स इजिकल टू लॉग, तो बहुत से फंक्शन में तो क्या है, एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पे डायरेक्ट पता लग जाता है कि वो इवन है या ऑड है, बट बहुत से फंक्शन में हम लोगों को कैलकुलेशन करनी होती है, जैसे इसके अंदर होगा अभी देखना, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये तो है एफ ऑफ एक्स। अच्छा एफ ऑफ माइनस एक्स निकालते हैं आप, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या रखना है, माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब बहुत से सोच रहे होंगे कि लॉगरिथम फंक्शन होता ना तो इवन होता है ना ऑड होता है, तो कैसे पता लगाएं, तो देखो ये लॉगरिथम फंक्शन तो है बट सिंगल एक्स नहीं है, यहाँ पे लॉग के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू चेंज हो रही है, तो इसलिए हम लोगों को पता लगाना होगा। अब देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं तुम लोगों को लॉगरिथम फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज़ है वो यूज़ हो रही है, इसलिए मैंने बोला था कि वो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि लॉग ए अपॉन बी इजिकल टू क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी, अगर बेस में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है जैसा कि यहाँ कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ई होता है, क्या होता है, ई, मैथमेटिक्स में, केमिस्ट्री में टेन मानते हैं पर मैथ्स में तो ई मानते हैं, जैसे लॉग ए बी लिखा हुआ है तो लॉग ए बी को क्या लिख देते हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी, क्लियर। अब देखो पहली नज़र में फर्स्ट और सेकंड को हम देख के पता ही नहीं लगा सकते ये इवन है या ऑड है, तो हो सकता है हम आंसर ऐसा दे दें कि न तो ये इवन है ना ऑड है, बट ऐसा नहीं है, हम लोगों को आगे ट्राई करना चाहिए। तो देखो ट्राई करते हैं, मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड कर देता हूँ, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करूँगा तो क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स लेफ्ट हैंड साइड में प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू, अब मैं अंडर रूट वाली टर्म पहले लिख रहा हूँ, तो ये क्या लिखा हुआ है, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स, हम ऐड कर रहे हैं तो सेकंड नंबर की इक्वेशन भी लिखेंगे, तो देखो माइनस एक्स बाद में और अंडर रूट वाला पोर्शन अगर पहले लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स,
क्लियर। अब देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, लॉग ए प्लस लॉग बी इज इक्वल टू होता है लॉग ए बी। देखो लॉग ए प्लस लॉग बी, तो ये क्या होता है लॉग ए बी, तो इसलिए हम राइट हैंड साइड के अंदर क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई है, अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब तुम ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों मिलके क्या होते हैं, हम जानते ना ये फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हमें पता भी होना चाहिए भाई, ए स्क्वायर माइनस क्या होता है बी स्क्वायर। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, लॉग अंडर रूट का स्क्वायर हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट गायब हो जाएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, अंदर बचेगा लॉग वन, और लॉग वन की वैल्यू पता होनी चाहिए कितनी होती है, जीरो। तो ये जीरो आ किसकी वैल्यू रही है भाई, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू आ रही है। अगर हम एक को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, और ऐसा सिर्फ होता है ओड फंक्शन के अंदर। इसलिए हमारा जो एफ ऑफ एक्स है वो कैसा फंक्शन है, ओड फंक्शन। क्या है, ओड फंक्शन। तो आंसर की मैं कौन से ऑप्शन के अंदर ओड लिखा हुआ है, बी ऑप्शन के अंदर। क्लियर, तो ऐसे धोखा नहीं खाना है, देख के नहीं पता लगता। अब जैसे इसमें देख के पता लग जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के बारे में पूछ रहा है, द ग्राफ ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सिमेट्रिक अबाउट। ओके, अगर ये इवन होगा तो वाई के सिमेट्रिक होगा, अगर ओड होगा तो ओरिजिन के सिमेट्रिक होगा। सो वी नीड टू फाइंड आउट फंक्शन इवन है या ओड। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, अंडर रूट के अंदर एक्स इज की पावर 4 प्लस 15। देखें एफ ऑफ माइनस एक्स निकालते हैं, तो एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे तो जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, तो माइनस एक्स की पावर 4 कर देते हैं आप प्लस 15, तो क्या कुछ होगा चेंज, नहीं। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स की पावर 4 प्लस 15 आ जाएगा, जो एफ ऑफ एक्स के बराबर है। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन। और इवन फंक्शन किसके सिमेट्रिक होते हैं, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। तो ये हो गई हमारी कहानी पूरी इवन एंड ओड फंक्शन के बारे में। तो इवन फंक्शन क्या होता है, एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पे कोई फ़र्क ना पड़े, सेम फंक्शन रहे। और ओड फंक्शन में क्या होता है, एक्स की जगह माइनस एक्स रखने पे फंक्शन का साइन चेंज हो जाता है।